Hey, what's up guys, welcome back to Red Spark Gaming YouTube चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे गेम के बारे में जिसमें आप माइनक्राफ्ट, पबजी, BGMI, फ्री फायर, फोर्टनाइट सब का मज़ा ले सकते हो सिर्फ एक गेम के अंदर। तो दोस्तों वो गेम का नाम मैं टाइप कर रहा हूँ प्ले स्टोर में, आप लोग देख सकते हो, जिसका नाम है लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। तो आप लोग देख सकते हो ये गेम है, इसको मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ और दोस्तों फिर मैं डाउनलोड करके आपसे मिलता हूँ कुछ देर में। जैसा कि आप सब देख सकते हो डाउनलोड होने लगा है, तो दोस्तों वेट करते हैं डाउनलोड होने का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गेम डाउनलोड हो चुका है और हम लोग देखिए गेम में आ चुके हैं। अब हमारा पहला टास्क ये है दोस्तों, जैसे माइनक्राफ्ट में हम लोग लकड़ी तोड़ते हैं, वुड कलेक्ट करते हैं, उसी तरह इस गेम में भी हमें वुड कलेक्ट करना है अपना बेस बनाने के लिए। तो मेरा टास्क जो है मुझे मिला हुआ दोस्तों, अभी 5 ट्रीज को मुझे तोड़ना है और वुड कलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी मज़ेदार गेम है, अगर आप लोग खेलने लगो, एक बार खेलना सीख जाओ तो इस गेम को खेलने में आप लोग इतना एडिक्टेड हो जाओगे कि आपको गेम बंद करने का मन करेगा ही नहीं। और दोस्तों ये गेम ऐसा है, इसका सर्वर हर 15 दिन पर रीस्टार्ट होता है, तो मतलब आपका एक मैच जो होगा वो 15 दिन तक रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो मैं वुड कलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों वुड कलेक्ट हम लोग कर चुके हैं, अब उसके बाद हमें अपना बेस बनाना है। तो हम लोग फाउंडेशन देते हैं बेस बनाने के लिए, और ये फाउंडेशन लग गया दोस्तों और यहाँ भी लग गया। अब हमें वॉल्स बनानी है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं वॉल्स लगाने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें हम लोग बेस पर रेड भी कर सकते हैं, इसमें और भी बंदे रहते हैं सर्वर पे, तो उनका बेस पर हम लोग रेड भी कर सकते हैं। रेड करने का टाइमिंग होता है दोस्तों, और वो शाम में 5:30 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक रहता है दोस्तों रेड करने का टाइम। तो देखिए हमारा बेस जो है बन चुका है, अब हमें ऊपर में सीलिंग लगानी है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, मैंने सीलिंग लगा ली है, और ये स्लीपिंग बैग दोस्तों हमारा रिस्पॉन पॉइंट के तरह काम करेगा, जैसे बेड हमारा माइनक्राफ्ट में करता है। तो दोस्तों एक टास्क और कंप्लीट हुआ और हमें कैबिनेट मिल गया। दोस्तों कैबिनेट इस गेम का सबसे मेन पार्ट है। दोस्तों कैबिनेट यूज़ आता है उसमें हम लोग, जैसे अगर हमारा बेस वुड का है तो उसमें हम लोग वुड डालेंगे तो वो हमारे बेस को रिपेयर करता रहेगा और डैमेज नहीं होने देगा। तो यही काम है दोस्तों कैबिनेट का, और इस कैबिनेट को आप लोग जहां पर भी लगाओगे तो वहां पर दूसरा बंदा कुछ दूर तक नहीं लगा सकता अपना कैबिनेट, अपना बेस नहीं बना सकता। तो दोस्तों हम लोगों ने कोड लॉक लगा लिया है अपने कैबिनेट पर ताकि कोई उससे सामान ना चुरा ले, और ये हमारे मेन डोर पर भी हमने कोड लॉक लगा दिया है दोस्तों। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा देखिए दोस्तों वर्क बेंच, जैसे माइनक्राफ्ट में क्राफ्टिंग टेबल है उसी तरह इसमें वर्क बेंच है दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हो। तो मैंने वर्क बेंच लगा दिया है दोस्तों, और देखिए मुझे कुछ आइटम्स मिले हैं, मुझे कॉटन टॉप और ये क्राफ्ट करना है दोस्तों पैंट्स। तो दोस्तों मैंने कॉटन पैंट्स लगा दिए हैं क्राफ्टिंग पे, और आप लोग देख सकते हो हमारा बेस बन करके तैयार हो चुका है। और हमारा अगला टास्क दोस्तों है ग्रीन चिप ढूंढना। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ग्रीन चिप बिल्कुल ऐसा दिखता है, और इसे हम लोग को पाने के लिए हमें गैस स्टेशन या शॉप जो मैप में होती है वहाँ पर जाना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कहाँ पर क्या क्या मिलता है। दोस्तों इस गेम में 3 तरह की चिप होती हैं, पर्पल, ब्लू और ग्रीन चिप। तो दोस्तों ग्रीन चिप को ढूंढना सबसे ज़्यादा आसान होता है, जैसा कि मैंने बताया गैस स्टेशन और शॉप पर आपको वो मिल सकता है। और दोस्तों ब्लू चिप आपको मिलेगा ग्रीन रूम के अंदर, और फिर ब्लू रूम के अंदर आपको पर्पल चिप मिलेगा। तो ज़्यादा लूट दोस्तों पर्पल रूम में मिलती है, और वो मिलना मुश्किल होता है पर्पल कार्ड पर। उससे ज़्यादा मुश्किल दोस्तों ये है लेवल 2 का फेस गार्ड है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब भी पर्पल रूम करने जाओगे तो वहाँ पर लेवल 2 का आपको रेडिएशन मिलेगा, और बिना इस फेस मास्क के आपका रेडिएशन बढ़ जाएगा और आपको डैमेज लगने लगेगा दोस्तों। तो लेवल 1 का फेस मास्क तो आपको मिल जाएगा शॉप, और जहाँ भी ग्रीन चिप मिलती है वहाँ मिल जाएगा। वो स्पेसिफ़िक लोकेशन की वीडियो आप लोग चाहोगे तो मैं अलग से बना दूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों, और ये है हमारा मैप। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग लोकेशन है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे हार्बर, बैंडिट कैंप
एयरपोर्ट, ये सब लेवल 2 के रेडिएशन वाले जगह पे गिने जाते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों लेवल 1 के रेडिएशन वाले एरिया की, तो जितना भी ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में जिन जिन जगह का नाम लिखा हुआ है वहाँ लेवल 1 का रेडिएशन लगता है, और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वहाँ की सिर्फ ग्रीन चिप लगे या ब्लू चिप लगे। और जो भी दोस्तों पर्पल कलर में जो नाम लिखा हुआ मैप में जिस जगह का, तो वहाँ पर्पल चिप लगते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग उसके बारे में जानना चाहो तो मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन से रूम में कहां पर क्या मिलता है और कहां पर हमें चिप्स मिल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस गेम के बेसिक्स की नॉलेज तो हो गई होगी। तो अगर आप लोग चाहो इस गेम के ऊपर और डिटेल में वीडियो मैं बनाऊँ, तो दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस बारे में बनाओ। तब तक के लिए बाय बाय।